We will continue part 4 of the microbial world. We have studied about the microorganisms. These are classified in 5 categories. First of all, bacteria, fungi, protozoa, algae and viruses. Now, we do some question. Ab is pe question karenge. Give one word for the following. An instrument that enables use to see microorganism. Microorganism जो है कौन से instrument से हम देख पाते हैं? Definitely microscope. It may be electron microscope or simple microscope. Coma shaped bacteria are विब्रियोज. इनको क्या, इनका स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है? कॉमा शेप्ड विब्रियोज का कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं ये. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगी, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फंगस का वो क्या कहलाता है? हाइफी. क्या कहलाता है? हाइफी. पैरासाइट दैट कॉजेज मलेरिया, जो पैरासाइट्स हैं मलेरिया कॉज करता है वो क्या है? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम किस कैटेगरी में रखा गया है? प्रोटोजोआ की कैटेगरी में रखा गया है. ऑर्गेनिज्म ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जो लिविंग और ऑर्गेन नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है, बॉर्डर लाइन है, वो क्या है? वायरसेस. इसका आंसर क्या है? वायरसेस. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी हैव डिस्कस अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Microorganisms are used to us in several ways. हमारे लिए वो कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं वही हम डिस्कस करेंगे. दे आर यूज इन फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर. ये यूज़ हो सकते हैं हमारे लिए, इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकते हैं डिफरेंट में, और फूड मेकिंग में हो सकते हैं, मेडिसिन के लिए हो सकते हैं, और इवन एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं. खेती जो हम करते हैं उसमें भी हमने फर्स्ट वाले जो चैप्टर हैं और प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है कि जो राइजोबियम है और नाइट्रोबैक्टर हैं वो सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं. इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एग्जांपल आर माइक्रोब्स, यूजफुल माइक्रोब्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में द प्रोटीन कैसीन प्रेजेंट इन द मिल्क. अब कैसे हो रहा है? जो प्रेजेंट होता है कैसीन प्रोटीन है इसमें. मिल्क कोएग्लूट्स टू फॉर्म कर्ड. जो दही होता है, दही का कैसा होता है? वो सेमी सॉलिड सा होता है और जो मिल्क होता है वो लिक्विड होता है. तो इसमें जो कैसीन होता है उस कैसीन को क्या होता है? वो गाढ़ा कर देता है. और कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं और वो कर्ड में चेंज हो जाता है. द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एग्जाम्पल लिया था, हाँ, जो यूजफुल बैक्टीरिया का वो है लैक्टोबैसिलस, मेक्स द मिल्क एसिडिक. और ये क्या करेगा? हाँ, हमने देखा है कि जो मिल्क का टेस्ट है वो लैक्टोज शुगर के कारण कैसा होता है? स्वीट होता है. लेकिन जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा है? उसको कन्वर्ट कर रहा है कर्ड में. तो उसका कैसा हो जाता है? वो खट्टा हो जाता है मिल्क एसिडिक होने के कारण. This converts lactose sugar in milk to lactic acid. The process by which the microorganism convert a sugar into an acid or an alcohol is called fermentation. और ये जो process है जिसके कारण ये सारा हो रहा है, तो वो क्या है? acid में convert हो रहा है और alcohol बन रहा है. वो किसके through बन रहा है? Fermentation process के through. Making bread, alcohol बनता है, एसिड से बनता है फर्मेंटेशन के थ्रू. नेक्स्ट, मेकिंग ब्रेड, डोसा, इडलीज एंड द ढोकलास. आनी आ गया मुंह में के? मेकिंग ब्रेड, डोसा, इडली एंड ढोकला, ये जो सारे हैं इनके पीछे भी क्या है रीज़न? ये फर्मेंटेशन के थ्रू बनेगा. जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है बेकिंग सोडा में, और यीस्ट भी क्या है? यीस्ट भी यही करता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है, जिससे वो कैसे हो जाते हैं? फ्लफी हो जाते हैं. Yeast is common employed in preparing food items such as bread, cakes, idli, dosa and dhokla. ये सब बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? microorganism, yeast. और yeast हमने किस category में रखा था? fungus में. fungi है ये, ठीक है. making alcoholic beverages, जो beverages बनते हैं जैसे alcohol बनता है, alcohol भी किस process से बनेगा? इसी process से बनता है, fermentation के through. yeast is also used in beverages for making alcoholic drinks such as wines and beer
बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जो बियर है, वाइन है, एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ये भी किससे बनेंगे? फर्मेंटेशन के थ्रू। इन दिस प्रोसेस द यीस्ट फर्मेंट्स द शुगर टू फॉर्म एल्कोहल। और जो इनमें शुगर होती है, जैसे ग्रेप वाइन होती है, तो ग्रेप वाइन में, ग्रेप्स में जो शुगर होगा, फ्रुक्टोज शुगर, उस फ्रुक्टोज शुगर को वो किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है यीस्ट। नेक्स्ट, मेडिसिनल यूजेस, मेकिंग एंटीबायोटिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। दैट ट्रीट डिजीजेज इन ह्यूमन्स, एनिमल्स और इवन प्लांट्स। और ये जो हैं, ये क्या करते हैं? जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स या प्लांट्स हैं, उनमें एंटीबायोटिक डेवलप करती हैं ये मेडिसिन। एंटीबायोटिक होता क्या है? एंटीबायोटिक होती है कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है किसी भी डिजीज़ से फाइट करने की। द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ही पेनिसिलिन से बनी थी और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और किसने डिस्कवर किया था इसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था बाय यूजिंग द फंगस पेनिसिलियम। अब ये भी क्या है? एक फंगस है, फंगी है, पेनिसिलियम नेम है उसका, उससे पेनिसिलिन बनाई गई थी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेम सम अदर कॉमन एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ऑक्सीटेटेरासिलिन। टेराक्लिन जो है, ऑक्सीटेटेराक्लिन जो है ये, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, दोनों जो मेडिसिंस हैं, जो भी एंटीबायोटिक हैं, वो भी इन्हीं से बनाई गई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मेकिंग वैक्सीन्स, वैक्सीन्स कंटेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट आर इधर डैड और वीकेंड टू प्रोहिबिट एनी डिजीज। अब वैक्सीन क्या होता है? ये एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक तो हम क्या हो सकते हैं, इनको ऑरली ले सकते हैं, हम इनको मेडिसिन के थ्रू ले सकते हैं। जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन हमारी बॉडी में क्या होता है? इंजेक्ट भी होता है और स्वेलो भी किया जा सकता है। पोलियो जो है, पोलियो की जो वैक्सीन है वो कैसे है? वो स्वेलो की जाती है, ड्रॉप के थ्रू हमारे माउथ में डाली जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ वैक्सीनेशन है वो इंजेक्शन के थ्रू ही होता है। इंजेक्शन में होता क्या है, उसमें मेडिसिन जो होती है उसमें होता है डेड वायरस होता है, या तो वो डेड वायरस होगा या क्या होता है, वीकेंड होता है, यानी कि वो कमज़ोर होता है। ऐसा जो वायरस होता है उसको हमारी बॉडी में एंटर कर दिया जाता है। हमारी बॉडी में जैसे ही वो एंटर होता है इंजेक्शन के थ्रू, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन करना शुरू कर देती है और एंटीबॉडीज डेवलप करती है। व्हेन ए वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्टिंग और स्वेलोइंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ दीज डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी and protect a person from these diseases causing microbes. जो specific microbe है, suppose जैसे COVID-19 का जो virus है, उसके लिए भी हम जो injection अभी ले रहे हैं, वो injection में क्या है, यही है, उसमें weak virus है और dead virus है जो हमारी body में enter किया जाता है। तो एक जो particular injection, एक vaccine दिया जाता है, वो particular disease के लिए ही होता है, क्योंकि वो उसी के लिए antibodies develop करेगा। These antibodies remain in the body and protect a person from these disease causing microbes. और next time जब वो microbe हमारी body में enter होगा, तो definitely हमारी body उसके लिए immune system generate कर लेगी, immunity develop कर लेगी, और वो वहीं पे वो cells हैं उसको damage कर देगी। This technique is referred to as vaccination or immunization. और ये जो process है पूरा, जिसमें हम inject कर रहे हैं vaccine को, उसको vaccination क्या कहा जाता है और इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। वैक्सीन्स ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस सच एज ट्यूबरक्लोसिस, डिफ्थीरिया, हेपेटाइटिस एंड पोलियो एंड कोविड-19 आल्सो। ये सारी डिजीज हैं, ये सब किसी हैं?
जो वायरस डिजीज़ हैं और वैक्सीन से ये प्रोटेक्ट की जा सकती हैं, या हमारी बॉडी को इनसे होने वाले डैमेज को हम कम कर सकते हैं। द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय द एडवर्ड जैनर, और जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो एडवर्ड जैनर ने जनरेट की थी। एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम डेवलप की थी वैक्सीन, और वो थी स्मॉल पॉक्स के लिए। अ फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूस्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज नॉन एज एन एंटीजन। जो हमारी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस, जो भी बाहरी पार्टिकल जाता है, नेचुरली जाए या फिर हम उसे इंजेक्ट करें, तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं एंटीजन। द रिस्पॉन्स इज यूजली manifested by production of special proteins called antibodies। और जो भी रिएक्शन होगा हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी जैसे ही इम्यून सिस्टम डेवलप करेगी, वो क्या होगा, एंटीबॉडीज बाय आवर बॉडी इन ऑर्डर टू फाइट ऑफ द एंटीजन। और जो भी बाहरी पार्टिकल आया, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो हमारी बॉडी का नीड नहीं है, वो नहीं चाहिए हमारी बॉडी में, इसलिए क्या डेवलप हो जाती है, उसके अगेंस्ट फाइट करने की जो भी टेंडेंसी है वो क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। यीस्ट एंड बैक्टीरिया आर रिच इन सर्टेन विटामिन्स। जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और किस तरीके से जो बैक्टीरिया हैं वो भी यूज़फुल हैं, ऐसे क्या है, यीस्ट एंड बैक्टीरिया आर रिच इन सर्टेन विटामिन्स। ऐसे जो यीस्ट है और बैक्टीरिया है वो उसमें कुछ विटामिन्स होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर वाइडली यूज मेकिंग मेडिसिन, और इसलिए इनको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इंसुलिन द हार्मोन यूज टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस यूजिंग सर्टेन बैक्टीरिया। और जो इंसुलिन मिलता है, हमारे हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, नेचुरली बनता है, लेकिन जब क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट में इसकी कमी हो जाती है, तब क्या होता है, इंसुलिन जो बैक्टीरिया से मिलता है वो उनकी बॉडी को दिया जाता है।